लूट लुटाकर जान बचाकर खाली हाथ बगदाद वापस आया, मगर मुझे आप दोनों की फिक्र परेशान कर रही थी। आप दोनों का सामना करने की मुझमें हिम्मत नहीं थी। काश काश ये जमीन मुझे निगल लेती। तुम्हारी दास्तान तो मुझे देवमालाई दास्तान लगती है। मेरी अक्ल इस पर एतबार नहीं कर सकती, मगर मैं हसन खबाल पर पूरा एतबार करता हूं। हसन खबाल अगर बेईमान होता तो बेईमानी के सहारे कब का अमीर बन चुका होता। अगर तुम्हें हसन पर इतना ही एतबार है तो मुझे भी हसन पर यकीन करना ही पड़ेगा। मगर हसन के हाथों 2000 दीनार गंवाने की वजह से मैं तुम्हारे साथ लगाई हुई शर्त को इतनी आसानी से हारने के लिए तैयार नहीं हूं। मतलब ये कि मैं हसन को फिर 2000 दीनार दूंगा ताकि वो मेहनत से तकबीर से इतनी दौलत कमाए कि मेरी बात मेरा नजरिया सच साबित हो जाए। कि तदबीर तकदीर से बड़ी होती है। हाँ, इस बार तुम्हें शायद अजीबो गरीब इत्तेफाकात ने फतेह दिलाई है। अब तदबीर मुझे कामयाब करेगी। एक बार आपने मेरे हाथों नुकसान उठाया है, फिर भी आप ये गलती दोहराना चाहते हैं? ये गलती नहीं है जनाब, मगर मेरे दोस्त साथ की गलत बात को गलत साबित करने की एक और कोशिश है। इस बार तुम सच्ची मेहनत से, सच्चे दिल से, तदबीर से काम लेकर मेरी बात को सच साबित करो। मगर हुजूर ये कुछ ख्याल ना करो, ये 2000 दीनार कबूल करो। आप मुझे फिर शर्मिंदा कर रहे हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं, नहीं, नहीं है, बात कोई नहीं। बात नहीं है, ले लो लो, ले लो। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तेरा लाख लाख शुक्र है। अब्बाजान आ गए। हाँ बेटे। अब्बाजान ये क्या है? ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है। हाँ बेटे, तुम्हारी अम्मी कहाँ गई? अम्मी जान तो पड़ोस में गई है। लाओ ये थैली, मैं रख देता हूँ। नहीं बेटे, तुम दोनों बाहर जाकर खेलो, जाओ। अब्बाजान जाओ। इसे तो मैं छुपा के रखूंगा बहुत ही एहतियात से, ताकि बच्चों और चक्कों के हाथ न लगे। मगर रखूं कहां? यह जगह ठीक है, किसी को ख्याल भी नहीं जाएगा कि दिनार मटके में हो सकते हैं। Thank you.
फिर वही भूल नहीं करूंगा। चलो अब फिर से रस्सियों का कारोबार शुरू करते हैं। चलो मैं अब फिर रस्सियां बनाकर मिस्र ले जाऊंगा, वहां अमीना से मुलाकात भी हो जाएगी और अहरा में मिस्र भी देख लूंगा। अरे हसन, अरे भाई हसन, ये जोश में भरे भरे कहां जा रहे हो? मैं रस्सियां बनाने के लिए माल खरीदने जा रहा हूं। एक दफा इस धंधे में हाथ जला चुके हो, लेकिन फिर आग से खेलने जा रहे हो? अब भाई मुझे कोई कारोबार तो आता नहीं और ना कोई कारोबार सुझाई देता है। हाँ भाई, अगर तुम्हारी तरह जौहरी होता तो हीरे जवाहरात का कारोबार जरूर करता। तो इसमें क्या मुश्किल है? जौहरी तो मैं हूं ही, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, मगर इस कारोबार के लिए काफी रकम लगती है और तुम तो अपनी सारी पूंजी रेत के तूफान में गंवा चुके हो। नहीं भाई साकिब, मेरे मोहसिनों साद और सादी ने मेरी फिर मदद की है। अच्छा, अरे 2000 दिनार दिए हैं, 2000। अच्छा, इतने में तराशे हुए हीरों का कारोबार नहीं हो सकता। अलबत्ता कच्चे हीरों का कारोबार जरूर किया जा सकता है। कच्चे हीरों का कारोबार? हाँ भाई, कच्चे हीरे खरीद कर उन्हें तराश कर खूबसूरत बनाओ और लाखों कमाओ। नहीं नहीं, कहीं फिर नुकसान हुआ तो लेने के देने पड़ जाएंगे। नफा नुकसान तो हर कारोबार में होता है, मगर तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। तुम मेरे पड़ोसी हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम्हें मेरे तजुर्बे की रोशनी में कोई नुकसान नहीं होगा, मगर मुनाफे में मेरा हिस्सा जरूर होगा। अच्छा, मुझे मंजूर है। तो चलो तुम्हें कच्चे हीरे के सौदागर से मिलवाने ले चलता हूँ। चलो चलो। ऐसा नहीं हुआ, हम लोगों ने बहुत गहरा खोदा मगर हीरे नहीं निकले। बड़ी मुश्किल से हुजूर, बस इतने ही। खामोश बदतमीज, बदतहजीब, अपने आका से जबान लड़ाता है। माफ कर दीजिए हुजूर, माफ कर दीजिए, आपके बारे में दिन रात मेहनत करेंगे हुजूर, और इतने हीरे निकालेंगे कि आपके सारे नुकसान की तलाफी हो जाएगी मेरे आका। तो जाओ जमीन का सीना चीर कर सारे हीरे निकाल लाओ, वरना हम तुम्हारा सीना चीर कर तुम्हारा दिल जिगर सब कुछ निकाल लेंगे। आ,
अस्सलाम वालेकुम अब्दुल यक चश्मी, अस्सलाम वालेकुम। खबरदार मुझे यक चश्मी कहा तो, मेरी एक आंख जाया हुई तो क्या हुआ, मैं हीरो की आंख बनवा कर लगाऊंगा, हीरो की नकली आंख। माफ करना, मेरे मुंह से यूं ही निकल गया, मैं तुम्हारा दिल तोड़ने नहीं आया था। ये बताओ यहाँ आए किस लिए हो, और ये कौन है? भाई ये मेरे दोस्त हमसाए हसन खबाल हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई ये हीरों की सौदागरी करना चाहते हैं, तुम इन्हें कच्चे हीरे फराहम करो, ये उन्हें तराश कर ऊंचे दामों में फरोख्त करेंगे। पहले ही सौदागरों की मांग पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, इन्हें और हीरे कहाँ से फराहम करूँ? भाई कुछ भी करो, आज नहीं तो एक हफ्ते बाद ही सही। अगर दाम अभी चुका दो तो अगले हफ्ते तुम्हें कुछ हीरे दूंगा, वो भी काफी निकले तो। चाहे 10 दिन लग जाएं, हम अभी दाम चुकाने को तैयार हैं। क्यों भाई हसन खबाल? हाँ हाँ, 1,000 दिनार तो अभी चुका सकता हूँ। ठीक है तो लाओ दाम, और अगले हफ्ते आकर ले जाना हीरे। खुदा हाफिज जी। सुनिए, आज से आप नया कारोबार करने जा रहे हो, अल्लाह करे अब इस कारोबार में कोई ऐसी वैसी बात न हो। हाँ बेगम, इसी तरह दुआ करना, सच्चे दिल से मांगी हुई दुआओं से मुसीबतें टल जाती हैं। इंशाल्लाह। हीरे किसने चुराए? किसने? क्या रखा है इस घर में? इस घर पर खुदा की रहमत का साया है, यकीनन तुझे मांगने वाले के हाल पर तरस आया है। मांगकर शर्मिंदा न करो दरवेश, हम तुम्हारा सवाल कैसे पूरा कर सकेंगे? नाशुक्री की बातें मत कर बेटी, अल्लाह का दिया यही बहुत है कि तेरे सर पर छत है, खुदा की रहमत है, मायूस न हो, आजमाइश का वक्त है, गुजर जाएगा। आखिर क्या चाहते हो तुम? फकीरों को किसी चीज की चाहत, कोई तलब, कोई हाजत नहीं होती। पेट का जहन्नम रोटी मांगता है, 2 दिन से भूखा है। या अल्लाह, काश हमारे पास कुछ होता तो हम तुम्हें दे देते। अगर कुछ नहीं दे सकती तो कोई बर्तन ही दे दे, जिसे बेचकर अपने पेट की आग बुझा सकूं और तुझे दुआएं दूं। बर्तन? हमारे घर में तो बर्तन भी कुछ गिनती के ही है। तो उनमें से एक दे दे, फकीर को खाली हाथ मत लौटा, खुदा तेरा घर नियामतों से भर देगा, हर आरजू पूरी कर देगा। दरवेश, ये मिट्टी का घड़ा बेकार पड़ा था, शायद तुम्हारे कुछ काम आ जाए।
तूने इस दरवेश को पेट के जहन्नम की आग से बचाने का सामान किया है। खुदा तुझे इस नेकी का बदला जरूर देगा। खुदा तुझे जहन्नम की आग से बचाएगा। तेरे घर में रहमतों और नियामतों की बारिश होगी। तेरे घर में रहमतों और नियामतों की बारिश होगी। तेरी नेकियां तेरे काम आएंगी। तेरी नेकियां तेरे काम आएंगी। तेरी नेकियां तेरे काम आएंगी। कैसा शोर है? कौन हो तुम ऐ बलाए नागानी जो कोहिनूर पर इस तरह नाजिल हुए हो? क्या चाहते हो तुम? तुम सबकी बर्बादी और मौत। मैं इस कोहिनूर को कोहे जुलेमात में बदल दूंगा। कोहे नूर को कोहे खाक कोहे राख में बदल दूंगा। अब यहाँ मौतें रख्त करेंगी, तारीखियां हुकूमत करेंगी, वीरानियां बर्बादियां जश्न मनाएंगी। पर ऐसा क्यों करना चाहते हो? हमें किस जुर्म की, किस खता की सजा दे रहे हो? क्यों बेगुनाहों का खून अपने गर्दन पर ले रहे हो? आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं वो आतिश हूँ, वो आग हूँ जो इन पहाड़ों के सीने में बरसों दबी रहती है। पत्थर के बेजान टुकड़ों में वो खूबी, वो नूर पैदा करती है कि जो लोग उन पत्थरों को हीरे जवाहरात के नाम से जानते हैं। मैं अपनी आग, अपनी तपिश, अपनी गर्मी, अपनी शरारत से इन पत्थरों को हीरा बनाता हूँ और ये अब्दुल या चश्मी इन्हें यहाँ से चुरा कर ले जाता है। आज बरसों बाद मेरा गर्ज़ और गज़ब जागा है, जोश में आया है और मैं अब्दुल और उसके साथियों को नहीं छोड़ूंगा। अब्दुल खतावार है, मौत का सजावार है, मरने के लिए तैयार हो जा। ऐ हीरो के सौदागर, मैं तेरी मौत का सौदा करने आया हूँ। जिंदगी ले जाऊंगा, मौत दे जाऊंगा। जिंदगी और मौत का फैसला करने वाला तू होता कौन है, बेवकूफ शैतान? गुनाहों की सजा मिल रही है अल्लाह? ये मेरा कैसा इम्तिहान ले रहा है खुदाया?
अब्दुल यक चश्मी मेरे उम्मीदों का आखिरी सहारा था। अब मैं इसके मौत का गम करूं या अपने 1000 दिनारों के लुट जाने का मातम करूं? अल्लाह अल्लाह। जमील, क्या हुआ सरताज? आज फिर कोई नई मुसीबत आन पड़ी? हाँ उम्मे जमील, आज तो बस यूँ समझो कि मैं मौत के पंजे से निकल कर भागा हूँ। अल्लाह रहम, पर ये तो बताइए हुआ क्या? किस्मत फिर दगा दी गई। मैं कच्चे हीरे लेने गया था, मगर इब्ने आतिश नाम का हीरे जवाहरात का जिन निकल आया। उसने हीरो का सौदागर अब्दुल चश्मी का कत्ल कर दिया। उसने चारों तरफ तबाही मचा दी। वो तो मेरी जान के पीछे भी पड़ा था। हाय अल्लाह। और मैं बड़ी मुश्किल से जान बचा कर भागा। शायद मेरी आज की नेकी काम आ गई। आज तुमने कौन सी नेकी की थी? आज एक फकीर ने सवाल किया था, उसे देने के लिए घर में कुछ था नहीं, तो मैंने उसे भूसा रखने वाला पुराना घड़ा दे दिया। अल्लाह है, कौन सा घड़ा? क्या हुआ? क्या नहीं हुआ बेगम? मैंने 1000 दिनार उसी घड़े में एहतियात से छुपा कर रखे थे, मगर तुम्हें बताना भूल गया बेगम। फिर तो ये नेकी बड़ी महंगी पड़ी है। इधर 1000 दिनार उस घड़े के साथ गए, और उधर अब्दुल चश्मी की मौत के साथ 1000 दिनार मेरे हाथ से निकल गए, जो मैंने कच्चे हीरो के लिए उसे पेशगी के तौर पर दिए थे। लगता है गरीबी और मुफलिसी हमेशा के लिए हमारी तकदीर बन गई है। हाँ बेगम, इंसान लाख कोशिश करे मगर न वक्त से आगे जा सकता है और न मुकद्दर से ज्यादा पा सकता है। पर साद और सादी को क्या जवाब दोगे? क्या वो आपकी बात का यकीन करेंगे? इसी बात का तो गम है बेगम, कि साद और सादी मुझे फिर झूठा और निकम्मा समझेंगे। दौलत उनकी गई और इज्जत मेरी जाएगी। तुम झूठे हो, मक्कार हो, निकम्मे हो। हमने तुझे मेहनती और ईमानदार इंसान समझा था, मगर वो हमारी भूल थी। खोजी ने गलत खोज निकाली थी। खुदारा मेरा यकीन कीजिए, न मैं झूठा हूं न निकम्मा हूं। मैं दौलत के लिए झूठ नहीं बोल रहा हूं, मुझे दौलत से ज्यादा ईमानदारी अजीज है। क्या ये तुम्हारी ईमानदारी है कि तुम हमें झूठी पे झूठी कहानी सुना रहे हो? पहले कहा कि 1000 दिनार पगड़ी में रखी उकाबले उड़ा, और अब कहते हो कि दिनारों से भरा घड़ा फकीर को दे दिया। सच क्या है बताओ, बताओ सच क्या है? कहां छुपा रखा है वो 4000 दिनार तुमने, बताओ? मैंने दिनार नहीं छुपाई है। तुम यूं नहीं मानोगे, लगता है जब तक हम तुझे अपना असली रूप नहीं दिखाएंगे तुम अपनी असलियत नहीं बताओगे। असल रूप? हाँ असल रूप। तुम नहीं जानते हम जिन हैं, जिन। देखो हमारा असली रूप, देखो। बता सच क्या है, क्या किया तूने उन 4000 दिनारों का? मुझे अपने मासूम बच्चों की कसम, जो मैंने 1 दिनार भी इधर उधर किया हो,
क्यों अपनी औलाद की झूठी कसम खाता है? अपनी औलाद की झूठी कसम खाने के बजाय मैं अपनी जान देना पसंद करूंगा। दादी ये जो कह रहा है सच है। कोई भी बाप अपनी औलाद की झूठी कसम नहीं खा सकता। मुझे यकीन नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे हसन पर पूरा पूरा भरोसा है। और अब जल्द ही तुम भी इस पर पूरा भरोसा करने लगोगे। हसन, ये तांबे का एक पैसा है, इसे रख लो। ये एक मामूली और हकीर पैसा है। जो शख्स 4,000 दिनारों से कुछ नहीं कर पाया, वो सिर्फ एक तांबे के सिक्के से क्या कर पाएगा? इंसान के करने न करने से कुछ नहीं होता। जो कुछ करना है किस्मत करती है। अगर इसकी किस्मत में खुशहाली और अमीरी लिखी है तो यही तांबे का एक सिक्का हसन को गरीब से अमीर बना देगा। चलो साथी, खुदा हाफिज हसन। आप जिन्हें अपना मोहसिन कहते थे, उनका ये खौफनाक रूप देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे और मेरे हाथों के भी तोते उड़ गए थे। ऐसे खतरनाक जिनों से दीनार तो क्या, एक तांबे का पैसा भी नहीं लेना चाहिए। अरे मगर इस बार तो वो तांबे का एक पैसा ही दे गए हैं। ये देखो, दूर ही रखो इसे। जब वो जिन दोबारा आए तो उसे ये तांबे का सिक्का लौटा देना। ठीक कहती हो बेगम। अब ये एक पैसे से क्या हो सकता है, मैंने भी खामखा ये सिक्का ले लिया। अब ये नजरुल मछेरे की बीवी क्या लेने आई होगी? अरे रे रे रे, ये क्या कह रही हो? वो भी हमारी तरह गरीब है, जरूरत पड़ने पर कभी कभार कुछ मांग लेती है, तो तुम बुरा क्यों मानती हो? मांगा तो उनसे जाता है जिनकी कोई हैसियत हो। बेगम, गरीब ही गरीब के काम आता है, वरना वो साकिब जौहरी के यहाँ नहीं चली जाती। आपकी नेकी करने की आदत जाएगी नहीं, आपको नेकी करके मिलता क्या है? मछेरे का जाली टूट गया हो तो वो मछली का शिकार कैसे करेगा? इसीलिए तो आपके पास आई हूँ भाईजान। ये क्या तुम्हें रस्सियों का जाल बना कर देंगे? उम्मे जमील, नाराज न हो, आज मैं तुम्हें ज्यादा परेशान करने नहीं आई। बस अगर एक पैसा मिल जाए तो बाजार से सूत लाकर नजूल अपना जाल ठीक कर ले। तुम एक पैसे की बात करती हो, यहाँ तो जहर खाने को भी पैसा नहीं है। अरे है तो, मैं अभी लाता हूँ।